आपका तो क्या मामला हुआ जो सर पच्चन... रात को ये सो रहा था हमारे मेरे भाई के पास, जब से वो हरिद्वार से आया पेपर देने आया था हमारा भाई, तो उसके पास सो रहा था। इन्हें कई कॉलें करी, कॉलें करने के बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद ये घर गए, घर से लिवा के लेके आए और यहाँ आके इन्हें दारू पिलाई, उसने पैसे उसे मांगे, एक साल से उसकी सैलरी नहीं दी है। दारू किसने पिलाई? सौरभ ने। अच्छा, ये रोज पिलाते थे। सौरभ कौन है? सौरभ दुकान वाले हैं। ठीक है। उसके बाद सर वो यहाँ लाए, उसके बाद बंद करके अंदर उसने फांसी लगा दी। इन लोगों ने पैसे मांगने के बावजूद, उन्हें पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए थे, उनमें झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद उन्हें फांसी लगा दी। और वो लोग जब हम लोग निकल के आए थे, उन्होंने आके दुकान खोली, दुकान पे आकर उन्हें उतार दिया नीचे। उसके बाद हमें कॉल करिए कि भैया आपने तुम्हारा लड़का मरा हुआ पर आया हमें। सर पहले हमें बुलाना चाहिए था कि देखो तुम्हारा लड़का लटका हुआ है। उन्होंने उतार के आके यहाँ पे धुंध मचा दी और भाग गए यहाँ से। पुलिस वाले कह रहे जो होगा हम निपट लेंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये कौन जगह लगती है? करेली गौटिया।